मार्केट का पिज़्ज़ा थोड़ा अनहेल्दी होता है, तो आज घर पर हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, वो भी बिल्कुल हेल्दी तरीके से। इसे बच्चे बड़े सभी पसंद से खा सकते हैं। जो हाई प्रोटीन पिज़्ज़ा है तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने मूंग दाल ले लिया है। मूंग दाल को मैंने रात भर भिंगो दिया था और इसे पानी से अच्छी तरीके से धुल लेंगे। फिर इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें 2 से 3 हरी मिर्च और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल करके इसे पीस लेंगे। 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, थोड़ा गाढ़ा ही इसका पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसे एक प्याली में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसे पहले विस्क से अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। फिर इसके बाद इसमें 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट और 1/4 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर डाल देंगे और फिर इसे 5 मिनट तक अच्छी तरीके से विस्क कर लेंगे ताकि इसमें अच्छी तरीके से ये एयरी हो जाए। फिर इसमें मैंने इनो डाला है, आप चाहें तो इसके जगह बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर 1 टेबल स्पून पानी डाल देंगे और फिर एक पैन में मैंने घी डाला है और 1 टेबल स्पून ले करके इसे अच्छी तरीके से ऐसे राउंड फैला देंगे। बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। फिर इसे ढक्कन से कवर करके 1 मिनट तक पकाएंगे। फिर ये मैंने वेजीज काट ली हैं, आप अपने चॉइस की वेजीज ले सकते हैं। मैंने प्याज, लाल शिमला मिर्च, पीला शिमला मिर्च, चुकंदर, गाजर और टमाटर लिया है। फिर मैंने हॉट एंड सॉर टोमेटो केचप लिया है और ग्रीन चिली सॉस लिया है। फिर इन दोनों के ऊपर ये टॉपिंग लगा दिया है मैंने। फिर ये मैंने इसके ऊपर वेजीज रख दी हैं, कैप्सिकम, बीटरूट और मैंने पनीर के पीसेस लिए हैं, उसे भी इसके ऊपर रख दिए हैं। फिर मैंने स्वीट कॉर्न लिया है, उसे भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। फिर मैंने प्रोसेस चीज़ का यूज़ किया है, इसे ग्रेट करके मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। फिर इसके ऊपर ऑरिगेनो डालेंगे और इसे ढक करके 2 मिनट तक के लिए पकने देंगे। और ये हमारा हाई प्रोटीन पिज़्ज़ा बन करके तैयार है। तो कैसा लगा आपको ये पिज़्ज़ा, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डालेंगे और गर्मा गर्म इंजॉय करेंगे। बच्चे भी इसे आप टिफ़िन में देंगे तो बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे। तो कैसी लगी ये रेसिपी, मिलती है ऐसी ही दूसरी रेसिपी के